किसी की नजर ना लगे। लो, लंका का तो पता ना है, पर ये दहेज दासी यहाँ रावण बन के आ गई। चलो अब सीता मैया को बुला लो जल्दी से और रावण वध की झांकी शुरू करो। खम्मा घनी महासरपंच सा, बहुत सुना है आपकी इस हवेली की रामायण की झांकी के बारे में। यहां से गुजर रही थी तो सोचा मैं भी दर्शन कर लूं, और इसी बहाने आपकी बेटा बहू जय और चुनरी से भी मिल लूंगी। आइए आइए पधारिए। जय, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई जो अब दुर्गा देवी अटे आ गई है। अगर अनुषा सीता बन के इनके सामने आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चुनरी का सच सबके सामने आ जाएगा, और ऐसे में हमारे हाथों में तो हथकड़ी पक्की है। नमस्ते। 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 आइए आइए, आप ही की हवेली है। लो आ गई सीता मैया। ये दहेज दासी सीता बनकर कैसे आ गई? एकदम सीता मैया लग रही है चुनरी। कैसा न्याय है राम जी, जिसके मन में हमारे लिए प्रीत होनी चाहिए वो खुद अपने हाथों हमारे पर नफरत भरा तीर चलाएंगे। Thank you.
चुनरी, तुम्हें रावण बना के मारने की साजिश रची जा रही है और वो अनुषा ने रची है। तुम पर चलाने के लिए ये नकली की जगह ये असली तीर दिया जाएगा। तुम्हारी और इस परिवार की सलामती के लिए इस साजिश को रोकना है, इसलिए तुम रावण नहीं जय की सीता बनकर झांकी में आ जाओ। बाकी मैं संभाल लूंगी तुम्हारी शुभचिंतक। ये तो वही शुभचिंतक है जिसने अनुषा और कुंवर साहब के ब्याह को रुकवाने में हमारी मदद की थी। ये राम जी के आगे की गई प्रार्थना है या फिर माता जी के भेजे हुए कोई दूत जो बार बार हमारी मदद करने आ जावे। सब अगर चुनरी सीता मैया बन के आई है तो फिर ये रावण कौन है? हुकुम, ये नकली धनुष बाण है वो रावण वध के लिए, इस तीर से चोट नहीं लगेगी। कुंवर साहब को ये दे दीजिएगा। आज जय के धनुष से ये नकली नहीं असली तीर चलेगा और उस तीर से होगी चुनरी की मौत। जबरदस्ती मुझे रावण बना दिया, मुंह भी बांध दिया, चला भी नहीं सकती। जय नकली तीर की जगह मेरे वाला असली तीर चलाएगा, आज तो मेरी मौत पक्की है। जय सवाल जवाब का टाइम ना है, जल्दी से तीर उठा और चला और खत्म कर दे रामायण की इस झांकी को। माने नहीं पता जे सब कुछ कैसे हुआ क्यों हुआ, जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। इसी बहाने चुनरी सीता बन के आ गई दुर्गा देवी के सामने, वरना हम सबकी पोल खुल जाती आज। अरे चुनरी, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? सीता को हमेशा अपने राम के साथ खड़ा होना चाहिए। से इसने कुछ कांड किया होगा सीता बनने के लिए।
स्वामी लीजिए ये तीर और उठाइए अपना धनुष। और कर दीजिए इस दुष्ट रावण का वध। ये जाल तो मैंने दही सासी के लिए बिछाया था, अंदाजा भी नहीं था इसमें मैं ही फंस जाऊंगी। प्लीज कोई रोको, मुझे बचाओ। थैंकू राम जी, आज आपकी कृपा से दो मिनट के लिए ही से मैं अपने राम की सीता बन पाई। वाह, मन प्रसन्न हो गया आपकी रामायण की झांकी देखकर। राम और सीता के रूप में कितनी सुंदर लग रही है तुम दोनों की जोड़ी। राम जी की कृपा से तुम्हारी ये जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। अब मैं चलती हूँ। एक मिनट मैडम। जब सारे हाथों बनाए लड्डू खाकर सब बीमार पड़ेंगे तब मने सारे को मारे जय की जिंदगी से बाहर फेंकने का रास्ता मिल जाएगा। लीजिए। बेटा मेरा तो आज उपवास है लेकिन मैं ये तुलसी का पत्ता ले लेती हूँ। खुश रहो। अच्छा चलती हूँ। दहेज दासी तू तो रावण की पोशाक लेकर गई थी ना, हाँ फिर ये सीता बन के कहाँ से आ गई? हुकुम साहब मैं बताती हूँ। कुछ ना काकी साहब, वो एक शुभ चिंतक ने कहा तो मैं सीता बन के आ गई। शुभ चिंतक? ये दहेज दासी मने उल्लू बना रही है कि मैं उल्लू बन रही हूँ? इसकी बातें ना मारे सर से साए करके निकल जावे। जीजा आपको दहेज दासी की कोई बात समझ में आई क्या? क्योंकि इस हवेली में तो सबसे ज्यादा दिमाग आपका ही चले है ना। अब मैं
ये तूने सही नहीं किया दहेज दासी। अच्छा, और आपने मने असली तीर से मारने की साजिश रची वो ठीक थी। शुक्र है ना कि मैंने कुंवरसा को असली की जगह ये नकली तीर दिया, ना अभी अठे आपकी लाश पड़ी होती। गड्ढा खोदने वाले खुद ही भूल जा रहे हैं कि अगर समय ठीक ना हो ना तो उसी खोदे हुए गड्ढे में वो खुद भी गिर सके। मैं सब बता दूंगी, सब बता दूंगी जय को कि तू कैसे रावण से सीता बनी। फिर देख क्या सलूक करेगा जय तेरे साथ। जाइए, शौक से बताइए, और ये भी बताना साथ में कि आप बने असली तीर से क्यों मारना चाहती थी। याद है ना पिछली बार भी आपने मारी जान लेने की कोशिश की थी, क्या कहा था कुंवरसा ने? भूल गए या याद दिलाऊं? तुम तो उससे नफरत करते हो ना? है नफरत, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी जान ले लूं। आइंदा से ऐसी कोई बेवकूफी नहीं होनी चाहिए अनुषा। बार 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 ये दहेज सासी जीत जाती है, पूरी तैयारी करने के बाद भी मैं हार गई। बस एक मौका और मिल जाए मुझे फिर। बात सिर्फ मौके की ना है, हार जीत की है। और तू बार बार हार जाती है, जानती है क्यों? क्योंकि तू सिर्फ बल का प्रयोग करते है। सुन ले छोरी, रावण सिर्फ बल का प्रयोग करके सीता माँ को हरण ना कर पाता, रावण ने छल का प्रयोग किया जो आज मैं करने वाली। थारा तीर निशाने से चूक गया, हमारा नहीं चूकेगा। तो बस देख दीजा आज अठे के तमाशा हो गए। राशि भी नहीं, सब में प्रसाद बांट का। काकू सा हुकुम, मैंने अपना काम पूरा किया, मारी मजदूरी। जे मारी आजादी की पहली किस्त है कुंवर सर। तुम्हारी सीता बन के आने की हिम्मत कैसे हुई? जय, वो दुर्गा देवी को देख मैंने ही चुनरी को सीता बना दिया और खुद रावण बन गई ताकि आंटी जी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। अरे महा सरपंच जी, प्रसाद में क्या मिला दिया आपने जो इनकी तबीयत खराब हो रही है? क्या हुआ, क्या हुआ आपको? हाय मारी मातेश्वरी, क्या हो गया सबको? इसे कहते हैं घातक वार, जो दिखाई भी नहीं देता पर असर जरूर करता है। सरपंच साहब, ये कैसे लड्डू थे, खाते ही सारे लोग बीमार हो गए। क्या हो गया सबको? मासा पता नहीं, प्रसाद के लड्डू खा के सब बीमार पड़ रहे। ए दहेज दास, लड्डू तो तने बनाए थे ना, क्या किया है, जहर वहर मिलाया है क्या? ए दहेज दासी, क्या मिलाया तने प्रसाद में, बोल।
मैंने कुछ ना मिलाया हुकुम साहब, मैंने तो लड्डू बनाने में पूरी सफाई का ध्यान रखा था। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.